सब्सक्राइब कीजिए फ्री हिंदी एडवाइस चैनल को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए लेटेस्ट वीडियो को सबसे पहले अपने मोबाइल पर देखने के लिए। विटामिन कई प्रकार के होते हैं, सभी विटामिन के लाभ भिन्न भिन्न प्रकार के होते हैं, तो चलिए एक एक करके सभी प्रमुख विटामिनों के बारे में जानते हैं। विटामिन ए। विटामिन ए मानव शरीर में त्वचा, आंखों, बालों जैसे कई अंगों के लिए बहुत उपयोगी होता है। यह कैरोटीनॉइड के रूप में बालों की उचित देखभाल करके उन्हें स्वस्थ व सुंदर बनाने में सहायक होता है। विटामिन ए घावों या संक्रमणों के उचित उपचार की प्रक्रिया में वृद्धि करता है। विभिन्न प्रकार के त्वचा रोग, कील मुहासे, कई प्रकार के संक्रमणों और आंखों के रोग आदि के प्रभावी उपचार में बहुत लाभकारी है। विटामिन बी वन। विटामिन बी वन हमारे शरीर में अपच, हृदय रोग और बेरीबेरी जैसे रोगों को होने की आशंका पर रोक लगाता है। यह विटामिन हमारे शरीर में मस्तिष्क के उचित विकास करने, उचित रक्त परिसंचरण और मेटाबॉलिज्म की उचित क्रियाओं में बहुत लाभदायक होता है। जिन बुजुर्गों को अतिरिक्त पोषक तत्वों की जरूरत होती है और जो अल्जाइमर और डिमेंशिया जैसे रोग से पीड़ित होते हैं, उनके लिए विटामिन बी टू और विटामिन बी थ्री को विटामिन बी वन की उचित मात्रा के साथ मिलाकर देने की आवश्यकता होती है। विटामिन बी टू। विटामिन बी टू हमारे शरीर की तंत्रिका तंत्र, रोग प्रतिरोधक क्षमता और चयापचय को ठीक रखने का और उचित संचालन का कार्य करता है। इसके साथ ही विटामिन बी टू एनीमिया, त्वचा के विकार और मोतियाबिंद जैसे रोगों के उचित उपचार में भी सहायक होता है। विटामिन बी थ्री। विटामिन बी थ्री हमारे शरीर में हाई ब्लड प्रेशर, हृदय रोग, डायबिटीज, डायरिया, कोलेस्ट्रॉल की उच्च मात्रा, कमजोरी, अपच, त्वचा विकार, सिर दर्द आदि रोगों को कम करने व इनके प्रभावी उपचार में बहुत सहायक होता है। विटामिन बी फाइव। विटामिन बी फाइव शरीर में हाई कोलेस्ट्रॉल के स्तर को कम करने, कई प्रकार के संक्रमण, त्वचा रोग, बालों का जल्दी सफेद होना, गठिया व तनाव जैसे रोगों को हटाने व इनके प्रभावी उपचार में काफी सहायक होता है। विटामिन बी सिक्स। विटामिन बी सिक्स हमारे शरीर में होमोसिस्टिन की मात्रा में कमी करने में सहायक होता है। इसके अलावा यात्रा या कार्य की थकान, सुबह की थकावट, अनिद्रा, तनाव, डायबिटीज, बवासीर, मासिक धर्म में अत्यधिक स्त्राव, शरीर में जकड़न आदि के प्रभावी उपचार में भी उपयोगी होता है। विटामिन बी सेवन। विटामिन बी सेवन हमारे शरीर में मेटाबॉलिज्म की क्रिया में वृद्धि करने और बालों के समुचित देखभाल और वृद्धि में बहुत सहायक होता है। इसके अलावा विटामिन बी सेवन स्वस्थ त्वचा के लिए व त्वचा की उचित देखभाल के लिए भी काफी फायदेमंद होता है। विटामिन बी नाइन। विटामिन बी नाइन गंभीर हृदय रोग, कोरोनरी हार्ट डिजीज में हमें सुरक्षा प्रदान करने के अलावा शरीर में होमोसिस्टिन के स्तर में कमी करने और न्यूरल ट्यूब विकार को दूर करने में सहायक होता है। यह शरीर में लाल रक्त कोशिकाओं को बनाने में उपयोगी होता है। विटामिन बी नाइन असामान्य मस्तिष्क, गठिया, एनीमिया, अपच, गले के दर्द का रोग, त्वचा रोग आदि के उपचार में अत्यंत उपयोगी होता है। विटामिन बी ट्वेल्व। विटामिन बी ट्वेल्व हमारे शरीर में विभिन्न प्रकार के हृदय रोगों और हृदय घात को रोकने या बचाव के लिए विटामिन बी सिक्स और विटामिन बी नाइन की उचित मात्रा के साथ विटामिन बी ट्वेल्व का भी सेवन जरूरी होता है। विटामिन बी ट्वेल्व शरीर की लीवर की समस्या, गर्भावस्था, गुर्दे से संबंधित रोग, मुंह में अल्सर, धूम्रपान, एनीमिया आदि रोगों के प्रभाव से होने वाली हानि को कम करने व इन्हें रोकने में बहुत सहायक होता है। विटामिन सी। विटामिन सी हमारे शरीर के लिए सबसे प्रभावकारी, अत्यंत जरूरी और ताकतवर एंटीऑक्सीडेंट माना जाता है। इसीलिए यह हमारे शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत करने में बहुत उपयोगी होता है। विटामिन सी आंतरिक रक्तस्राव, गुर्दे संबंधी विकारों, कार्नियल अल्सर, बवासीर, आंखों के रोग, स्कर्वी, साधारण सर्दी जुकाम व फ्लू, संक्रमण, डायबिटीज, हृदय रोग, कैंसर, हाई कोलेस्ट्रॉल और तनाव से संबंधित रोगों के प्रभावी उपचार में अत्यंत उपयोगी होता है। विटामिन डी। विटामिन डी हमारे शरीर में प्रमुख रूप से कैल्शियम निर्माण से संबंधित विटामिन है। इसीलिए यह टूटी हड्डियों को ठीक करने, हड्डियों की कमजोरी को रोककर उन्हें मजबूत बनाने और अन्य हड्डी के विकारों के प्रभावी उपचार में सहायक होता है। काफी लंबे समय से ऑस्टियोआर्थराइटिस से ग्रसित रोगियों में होने वाली मल्टीपल स्क्लेरोसिस और कई प्रकार के कैंसर के उपचार में बहुत उपयोगी होता है। इसके अलावा यह हमारे शरीर में रक्तचाप और इम्यूनिटी के लिए भी लाभकारी है। विटामिन डी दांतों की सड़न, सूखा रोग यानी कि रिकेट्स और डायबिटीज के प्रभावी उपचार के लिए भी काफी सहायक होता है। विटामिन ई। विटामिन ई शरीर में रक्त परिसंचरण की प्रक्रिया में उचित सुधार के लिए बहुत आवश्यक होता है। विटामिन ई हमारे शरीर में नेत्र विकारों, तकलीफपूर्ण मासिक धर्म, रजोनिवृत्ति, वांझपन, मस्तिष्क विकार, विभिन्न प्रकार के हृदय रोगों आदि के प्रभावी उपचार में अत्यंत उपयोगी होता है। इसके अलावा
विटामिन ई त्वचा के स्वास्थ्य की सही देखभाल करने और उम्र में वृद्धि की प्रक्रिया को प्रभावी रूप से कम करने या धीमा करने में बहुत सहायक होता है। विटामिन के का प्रमुख गुण शरीर में रक्त को जमने से रोकने का है, इसीलिए विटामिन के महिलाओं में मासिक धर्म में अत्यधिक रक्तस्राव और उससे होने वाली तकलीफों के उपचार व इसे रोकने में बहुत प्रभावी विटामिन है। और भी कई रोगों जैसे गुर्दे की पथरी, एथेरोस्क्लेरोसिस पर रोक लगाने, हड्डियों के चयापचय में उचित सुधार के लिए भी विटामिन के का सेवन आवश्यक होता है। विटामिन के शरीर में होने वाले आंतरिक रक्तस्राव, ऑस्टियोपोरोसिस और रक्त को जमने से रोकने के लिए भी अत्यंत उपयोगी होता है। अगर आप इस वीडियो और हमारे चैनल के अन्य वीडियो में दी गई जानकारी पढ़ना चाहते हैं तो हमारे वेबसाइट freehindiadvice.com पर जरूर विजिट कीजिए, जिसमें वीडियो के साथ साथ टेक्स्ट में भी सब जानकारी उपलब्ध है। इसके साथ साथ इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, जो 100% फ्री है। थैंक यू।